5S के अंदर पबजी का एक्सपीरियंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आईफोन 5S के अंदर पबजी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और कितनी बैटरी ड्रेन होती है, क्या आईफोन 5S गेमिंग आज के टाइम में 2020 के अंदर आपको गेमिंग के लिए आईफोन 5S परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। इस गेम को स्टार्ट करते हैं, हमने देख सकते हैं हमने पबजी लाइट नहीं पबजी मोबाइल जो गेम है उसको डाउनलोड किया है और हमारी जो बैटरी है 95% है और अभी देख सकते हैं 6:29 हो गए। तो आप देख सकते हैं हमने गेम को ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स मैं पहले भी बता देता हूँ कि गेमिंग के लिए आप फ़ोन ना ले तो बेटर है, अगर आपको नॉर्मली कॉलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए बेटर फ़ोन है। देख सकते हैं इस पूरे दोनों हाथों से अगर मैं ये प्ले करूँगा तो दोनों फ़ोन जो स्क्रीन है वो पूरी ढक चुकी है। तो मैं आपको यही बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर आप अपना पैसा वेस्ट मत करो, आपको गेमिंग करनी है इस फ़ोन के अंदर तो मत लीजिए, ये गेमिंग के लिए नहीं है फ़ोन। नॉर्मली आपको कॉलिंग वगैरह व्हाट्सएप यूज़ करना तो ठीक है, और अब क्या बताऊँ इस फ़ोन के बारे में आपको। और फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं आपको गेम प्ले करके भी दिखा दूंगा इसके अंदर। हमने स्टार्ट कर दिया है और देख सकते हैं इतना टाइम तो हमें लग चुका है, 95% थी हमारी बैटरी अभी तक। देख सकते हैं लोडिंग ही हो रहा है क्योंकि ये लगभग 6 साल से ऊपर पुराना फ़ोन है और इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत आज के टाइम में इतना हैवी गेम को नहीं उठा पाएगा। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल सेटिंग ही है जो ऑटोमेटिकली सेटिंग होती है वो, और स्टार्ट किया हमने तो देख सकते कितना स्लो है ये गेम, कितना स्लो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे आप नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा अभी भी इतना लोड हो रहा है, देख सकते हैं इतना लोड हो रहा है ये, तो देख सकते हैं ये, और छोटी स्क्रीन है और हल्का फुल्का लैग कर रहा है नॉर्मल सेटिंग में। देखिए तो ये देख सकते हैं ग्राफिक्स आप देख लिए, ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देखो देख सकते हैं ये हमारा स्टार्ट हो चुका गेम। इनवाइट कर लेते हैं अगर कोई आता है तो, क्लियर हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। ये नॉर्मल ग्राफिक्स में जो इसका ऑटोमेटिक स्टार्ट करते हैं गेम वगैरह HDR वगैरह में, फुल HDR में वगैरह में नहीं प्ले किया है, उसमें भी हम प्ले करके देखेंगे। और देख सकते हैं ये हम लैंड हो चुके हैं, बहुत ही स्क्रीन छोटी है आप देख सकते हैं ये, गन वगैरह ढूंढ लेते हैं, गन वगैरह ढूंढ लेते हैं कुछ फ्रेंड्स अगर मिल जाए तो। और इतनी कोई अच्छी क्वालिटी में आपको नहीं दिख रहा ग्रेम्स, इतना ग्राफिक्स इतनी बेटर जो क्वालिटी होनी चाहिए इतने में नहीं है क्योंकि काफ़ी 6 साल पुराना फ्रेंड्स फ़ोन है और ये पबजी मोबाइल गेम भी है जो काफ़ी इसका जो ग्राफिक्स है काफ़ी हेवी है, ये देख सकते हैं। आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 5S एक गेमिंग के लिए परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली परचेस ना करें, ना तो इस प्राइस पे जस्टिफाई करेगा ये फ़ोन और ना ही मैं इसको वैल्यू फॉर मनी बोल पाऊँगा। पर इतना जो ग्राफिक्स में आप नॉर्मली बंदे भी नहीं देख पाओगे आप इस गेम अगर गेम प्ले करोगे तो, बंदे भी आपको कहीं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे इसके अंदर। ये बंदा भी नहीं दिख रहा, इतना नज़दीक आने के बाद बंदा दिख रहा है, देख सकते हो अब टच भी कभी कभार इतना वर्क नहीं कर रहा है।
हर चीज़ फ्रेंड्स आपको बताने की कोशिश की है इसके इस वीडियो के अंदर। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग हमने 10 से 11 मिनट गेम प्ले किया और उसकी जो बैटरी है हमारी 95% थी, तो अभी देख सकते हैं 84%, लगभग 11% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है इस फ़ोन के अंदर लगभग 10 मिनट की गेमिंग करने में। जैसे ठीक है, वापिस से इसको क्लोज करते हैं पूरा, उसके बाद वापिस से स्टार्ट करके देखते हैं। तो लगभग फ्रेंड्स ये स्टार्ट और ये फ्रेंड्स से क्लोज करने और इसको स्टार्ट करने में हमारी बैटरी कम से कम लगभग ड्रॉप हो चुकी है। देख सकते 70 लगभग 5-4% हमारी बैटरी इसको गेम स्टार्ट करने और उसको क्लोज करने में ही हो चुकी है ड्रॉप, और स्टार्ट होने में भी इतना टाइम लगा रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं स्टार्ट क्लिक किया, अब जाके कहीं ये प्रोसेस हो रहा है पूरा। देख सकते हैं ये, और ये देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स वही फिर से जो मैंने गेम स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफिक्स है वो इतना बेटर नहीं है इसके अंदर। आप फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड राउंड है, तो अब जूम करके बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आपको बंदे भी नहीं दिखेंगे फ्रेंड्स, वो भी बता दिया मैंने, ये देख लो फ्रेंड्स। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस फ़ोन को आप गेमिंग के लिए ना परचेस करें। अगर आप गेम के लिए आईफोन गेमिंग के लिए अच्छे होते हैं, बट ये 6 साल पुराना लगभग आईफोन आप ना परचेस करें तो बेटर रहेगा। अगर आप परचेस करते हैं फिर भी तो फ्रेंड्स आपकी चॉइस है, मैं आपको ना ही बोलूँगा, क्योंकि ना तो ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा और ना ही आप इसमें सही तरीके से गेम प्ले कर पाएंगे। और जो भी आपके कमेंट और सुझाव हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या जो भी 5S के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मुझसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 10 मिनट का हमने जो राउंड है सेकंड राउंड वो भी पूरा कर चुके हैं और उसकी जो बैटरी है वो 65% हो चुकी है। और देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो 65% लगभग फ्रेंड्स, ये आधा घंटा इस फ़ोन के अंदर गेम खेल लोगे ना तो फ्रेंड्स पूरे बैटरी आपकी 0% हो जाएगी। मैं 10 मिनट की 10-15 मिनट ही गेम खेला हूँ तो 65 पे 15 मिनट और खेल लोगे ना तो बैटरी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फालतू अपना पैसा वेस्ट मत करो, और गेमिंग के लिए आप दूसरे फ़ोन पर भी जा सकते हो, बड़े आईफोन 6 ले लो एटलीस्ट, अच्छा है, और इस पर पैसा ना बिगाड़ो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।